हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज अपने पास Redmi Note 10s स्मार्टफोन, और गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग Redmi Note 10s स्मार्टफोन के डायलर पैड में आप लोग अपना फोटो यहाँ पे किस तरीके से लगा सकते हो। देख सकते हो अभी जो यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है ना, आप लोग यहाँ पे अपना फोटो किस तरीके से लगा सकते हो, आपको किस तरीके से लगाना है, सारी सेटिंग के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए गाइस आज की वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइस डायलर पैड में अपना फोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए गाइस आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप अपने फोन के डायलर पैड में अपना फोटो लगा सकोगे। उसके लिए गाइस जाना होगा अपनी फोन की प्ले स्टोर में। तो गाइस मैं यहाँ पे अपनी फोन की प्ले स्टोर में चला जाता हूँ। जैसे आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे तो आपको ऊपर एक सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली सर्च बार वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और गाइस आपको यहाँ पे टाइप करना आना है डायलर पैड फोटो, आपको यहाँ पे कॉलर, यहाँ पे डायलर पैड कुछ भी आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर देना है। कॉलर फोटो सेटिंग यहाँ पर स्क्रीन आपको टाइप कर देना है। आपको जो फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन दिख रहा है ना, आपको सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। देख सकते हो आई कलर डायलर, आई ओ एस कलर स्क्रीन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कलर स्क्रीन वाले ऑप्शन को। जो एप्लीकेशन है ना आपको इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी वीडियो को रोक देता हूँ जब तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड यहाँ पे होता है। तो गाइस देख सकते हो ये वो एप्लीकेशन है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। जैसे एप्लीकेशन को इस बार आप फर्स्ट बार ओपन करोगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, वो मैंने पहले से ऑलरेडी अलाउ कर रखी है। उसके बाद गाइस ये एप्लीकेशन में वॉलपेपर का लगाने का फोटो आ जाएगा, आप उसके थ्रू आप गैलरी में जा सकते हो। गैलरी में जाने के बाद गाइस आपको अपना फोटो इस तरीके से क्रॉप वगैरह करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो सेटिंग वगैरह है वो मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी कट कर दी थी, वो मैं बता नहीं पाया। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, आपके जो कॉलर स्क्रीन पर है जो आपका फोटो है वो आसानी से यहाँ पे लग जाएगा।